ये सेल्फ रिलायंस आते कहाँ से? कोई ना कोई एक गहरी यू नो कोई सोच होगी या कोई डेप्थ होगी। जब मैं छोटी थी तब डैड बीमार पड़ गए थे। ही वाज लिटरली इन अ वेरी क्रिटिकल स्टेज। सो ही हैड हिज कितनी छोटी थी? आई वाज 10 11। तो ही हैड हिज थर्ड हार्ट अटैक और दैट वाज रियली बैड वन। तो ही एक्चुअली व्हेन ही रीच्ड द हॉस्पिटल ही वाज डेड। तो दे हैड टू रिवाइव हिम विद द शॉक ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। तो थ्री अटेम्प्ट्स में वो फिर भी नहीं रिवाइव हो पाए। तो फोर्थ अटेम्प्ट लाइक एवरीवन प्लीडेड टू द डॉक्टर की यू नो कि कर लो अभी। तो ऐसे करके वो रिवाइव हो गए, लेकिन सिर्फ 1% हार्ट बीट था और 99% वाज ऑन वेंटिलेटर। सो बिकॉज ऑफ दैट ही हैड लाइक अ ब्रेन हैमरेज बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन सप्लाई। तो एंड देन ही वाज इन अ कोमा फॉर 1.5 months। सो व्हेन ही केम आउट ऑफ दैट ही थॉट दैट ही वाज केप्ट इन अ डार्क रूम विद अ डिम लाइट, बट ही नेवर न्यू दैट ही लॉस्ट हिज विजन। So it was basically a new life for him because he had to learn how to walk, talk, all of that. तो उस वजह से मेरे डैडी जो है like he couldn't work, he was at home. तो जो responsibilities आए थे वो मेरे मम्मी पे आ गए थे कि अभी उन्हें करना है, she has to be the man of the house. तो she started working. हम बच्चे थे, मी एंड माई ब्रदर, या एल्डर ब्रदर, छोटा भाई, अच्छा एल्डर ब्रदर, ओके, ईयर एंड हाफ एल्डर टू मी। बिफोर ऑल दिस हैपेंड शी हैड ऑलरेडी ट्रेन मी हाउ टू वर्क इन द किचन अ लिटिल। तो बेसिक्स आई यूज्ड टू नो हाउ टू, या हाउ टू मैनेज व्हाइल शी वाज वर्किंग, यू कुड टेक केयर ऑफ द हाउस। यस, सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इन द किचन और कुकिंग वहां से शुरू हुई। तो मॉम यूज्ड टू टीच बेकिंग आल्सो, बेकिंग वहां से शुरू हुई। तो स्लोली स्लोली ऑल दोस केम इन एंड देन व्हेन the responsibilities got divided. Now mom couldn't do everything on her own, so that's when I stepped in and I you know kind of tried to share the load with her. So at the age of 16 I started working. What was your first job? It was my first job, and I'm going to tell you how I got the first job. Please. So I was as a model. Yes. So you always wanted to model? I always wanted to model. Yeah. My dad also was a model. But how? It's very surprising and strange. Somebody who has been a tomboy. Beauty queen banna aisa nahi tha. And my father was a 27 pageant holder. He won 27 pageants in his time. Oh wow! He so won. He won. Yeah. Is it because of him that you wanted to act and model? आई डोंट नो, लेकिन बचपन से ये सपना तो जरूर था कि मुझे मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, दोनों बनना है। लेकिन ये कहाँ से अभी पता चला? पापा की वजह से। हाँ। फर्स्ट जॉब कैसे मिली? वेरी रैंडमली आई हैपन टू गो फॉर अ हेयर कट फॉर माय बर्थडे। ओवर देयर दे हैव दिस इंटरनल कॉम्पिटिशन वॉरियर्स ऑफ देयर्स। वहाँ पे एक ट्रेनर ने कहा कि व्हाई डोंट यू बिकम माय मॉडल फॉर टुडे, या फॉर दैट कॉन्टेस्ट ऑफ देयर्स। सो आई वाज लाइक ठीक है, कार्ड तो मेरे पास वैसे भी कार्ड नहीं आई थी। नाउ आई डिडंट नो हु दैट सैलून बिलोंग टू। बी ब्रांड बिलोंग्स टू फरहान अख्तर'स एक्स वाइफ अदुना अख्तर। सो देन शी सॉ दैट एंड देन द मेकअप एकेडमी हु वाज देयर, दे वर डूइंग द मेकअप, सो दे लाइक व्हाई डोंट यू कम एंड यू नो मॉडल फॉर आवर इंस्टीट्यूशन। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दी शूट्स। ऐसा होता ना कि मॉडल स्ट्रगल करते हैं इनिशियली। टच वुड, आज तक it has not happened to me. Your papa's blessings are with you, I guess. Yeah. Then I just stepped into pageants and I was in college and fresh face pageant happened. So I participated in it. Now during that time abhi singing ki baat aayi hai, to singing mein na maine actually try kiya tha wo jo ye hota hai na fest hote hai na, ha college festivals, ha college fest, to maine usme participate karne ki koshish ki singing mein. मुझे रिजेक्ट किया, मुझे रिजेक्ट किया। फिर देन द टैलेंट राउंड केम फॉर द ब्यूटी पैजेंट। तो मैंने सेम गाना सिंगिंग, मुझे फुल टैलेंट मार्क्स के लिए फुल मार्क्स मिले। कैसे हो गया? व्हाट इज दिस? एंड सो दैट वाज द फर्स्ट राउंड वेयर द ऑडिशन राउंड, देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग अप। सो आई वन बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस, देन व्हिच देन आई वेंट टू मिस महाराष्ट्र। सो आई वन Miss Maharashtra as well. I won the fresh face in Miss Maharashtra as well, and then I went to Miss India. Wow. And I won Miss Fresh Face again. Congratulations, that's amazing. That's a series of pageants. Yes. And then I was in the top 10. My main aim was not to be a Miss India. What is your main aim? I went there for the experience of what happens, the learning process. So that's why it's surprising, because very very few people, is tarah se sochte hain ki I'm just going for the experience, because everyone wants to win win. This is very stereotypical. Yeah, so when I was there and there were few girls who were like ki nahi mujhe jeetna hai, ye karna hai, that's exactly what I'm talking here. So even during the final round I'm like jeet ke matlab kya karoge, har koi yahan pe ek winner hai. You have come to this level on your own,
And on top of that, you, everyone who's seeing the winner right now is seeing you also. Correct. If you are good in your field, if you are good in what you are, you will just pick up from wherever. I mean, it doesn't mean that you have to be, I was not a winner. I'm doing well. That's true. I didn't have to be a winner to succeed in life. ऐसे कुछ incidents हुए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ transformation आए. The major transformation was during that phase only. Yeah. So I became independent there. At a very young age. At a very young age. I ऐसे भी वक्त हमने देखे हैं जहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं थे. तो we didn't have the money to even buy our own food. So obviously we have a very good family who supported us through, you know, bad times and everything. So today whatever I do, I know the value of things. So I know the value of money. I know the value of family. I know the value of relationship. Thank you so much for watching the video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि कहीं ना कहीं उनको भी इसका फ़ायदा हो, उनको भी इसका बेनिफिट हो. एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल, शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. वी शेयर, वी ग्रो.